गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आपने पिछली कक्षा में संज्ञा टॉपिक शुरू कर दिया था और संज्ञा के अंतर्गत आपने संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के भेद समझे थे। वीडियो के अंत में आपको संज्ञा की परिभाषा और उसके भेदों के नाम लिखित रूप में प्राप्त भी हो गए थे। मैं उम्मीद करती हूँ आपने उन्हें लिख लिया होगा। तो अब हम आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं और भेदों की परिभाषा और उनसे संबंधित उदाहरणों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर समझा था कि संज्ञा के पांच भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब इसमें देखो बेटा, आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कुछ निश्चित नाम है, यानी ये निश्चित कुछ भेद हैं जिन्हें आपको याद करना ही पड़ेगा। ये आपका स्मरण करने वाला भाग है, यानी इसे आपको याद करना होगा। अब इनसे संबंधित जो परिभाषाएं हैं और जो उदाहरण है उन्हें आपको समझना है। समझकर आप इनकी परिभाषाओं को आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो किसी चीज में इतना रटने की जरूरत नहीं है। रटने वाला भी कुछ पार्ट होता है, जैसे ये नाम है तो ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। कई बार क्या होता है, बच्चे संज्ञा भी पढ़ते हैं, सर्वनाम भी पढ़ते हैं, विशेषण भी पढ़ते हैं, तो वो उन सभी के भेद आपस में मिल जाते हैं। बच्चा आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि कौन सा भेद विशेषण का है, कौन सा संज्ञा का है और कौन सा सर्वनाम का है। तो ये कुछ याद करने वाला पार्ट है जो आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन नामों के आधार पर ही हम इनकी परिभाषाओं को लिखते हैं। मेन बात क्या है, मुख्य बात क्या है कि नाम को आप संज्ञा कहते हैं। अब अगर नाम व्यक्ति का हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है, अगर वह नाम जाति का हो तो जातिवाचक संज्ञा हो जाता है, अगर वह नाम भाव का हो तो भाववाचक संज्ञा हो जाता है, और अगर द्रव्य या पदार्थ का नाम हो तो वो द्रव्यवाचक हो जाता है, और अगर वह समूह का है तो समूहवाचक संज्ञा हो जाता है। पर व्याकरण में आप केवल इतना सा नामों के आधार पर परिभाषा नहीं लिख सकते, उसे समझाना पड़ता है, उसे आपको समझकर समझाना पड़ता है। क्योंकि जब हम किसी को स्पष्ट करते हैं, कोई बात आप समझा रहे हैं, तो आपका अपना ज्ञान भी वहां पर दिखना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से हम संज्ञा पढ़ रहे हैं और संज्ञा के यहाँ पांचों भेद लिखे हुए हैं। अब मैं आपको एक एक करके इनकी परिभाषा और उदाहरण समझाऊंगी। देखो, ये दुनिया कितनी चीजों से मिलकर बनी है। इसमें दिखती हुई चीजें यानी दृश्य चीजें भी है और अदृश्य चीजें भी है, और इन्हीं दृश्य दिखने वाले और अदृश्य चीजों से ही ये संसार बना है, और उन सब चीजों की पहचान हमने उनके नाम से की है। नाम देकर हमने उनकी पहचान को आसान बनाया है। ठीक है, तो अब हम जब पहले भेद की परिभाषा लिखने की कोशिश करेंगे, तो आपको यहाँ समझना है कि पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखना शुरू करते हैं। अब मैं चाहूंगी कि आप भी मेरे साथ साथ देखकर, या फिर जब मैं बोलती हूँ तो बोलकर, बोलते हुए को सुनकर आप उसकी परिभाषा को लिख सकते हैं। तो पहला है व्यक्ति वाचक संज्ञा। आप भी लिखे मेरे साथ व्यक्ति वाचक संज्ञा। अब देखो, यहाँ पर जब हम इसकी परिभाषा लिख रहे हैं तो यह मेन मुख्य संज्ञा की परिभाषा से ही मिलती जुलती है। केवल एक शब्द का वहां पर मेन रोल रहेगा, मुख्य भूमिका एक शब्द की रहेगी, और वो शब्द ही उसको मुख्य परिभाषा से अलग बनाएगा। मैं लिखती हूँ इसे, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति
वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराता है, उसे व्यक्ति वाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा की मुख्य परिभाषा है उस वह भी ऐसे ही लिखी जाती है, जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध कराता है उसे संज्ञा कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में फर्क किससे दिखा, इस विशेष से, यानी यहाँ पर विशेष व्यक्तियों, विशेष वस्तुओं या विशेष स्थानों का नाम ही आएगा। जैसे दुनिया में बहुत सारे देश हैं, लेकिन हम कहते हैं भारत मेरा देश है, तो भारत एक विशेष देश का नाम हुआ, तो इस रूप में भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ, ठीक है। और जैसे भगवान बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया, तो सन्यासी तो बहुत सारे हुए, लेकिन जब हम भगवान बुद्ध की बात करते हैं तो ये एक विशेष व्यक्ति का नाम हुआ, और विशेष व्यक्ति का के नाम का बोध हुआ, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, ठीक है। इसी तरह से वस्तु में मान लो जैसे दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं और मिठाइयां हैं, और अगर मैं कहूं कि मुझे जलेबी पसंद है, तो मैंने एक मिठाई विशेष का नाम लिया है। ऐसे तो बहुत सारी मिठाइयां होती है, लेकिन मैंने, और न केवल मैंने मिठाई कहा है, मैंने कहा है मुझे जलेबी पसंद है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जलेबी एक किसी विशेष मिठाई का नाम है, इसलिए जलेबी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ऐसे ही स्थान ले लो, स्थान में जैसे मैं सड़कों की बात करूं, ठीक है, दुनिया में ट्रांस साइबेरियन सबसे बड़ी सड़क है, सबसे लंबी सड़क है, तो ट्रांस साइबेरियन नाम आते ही आपको एक विशेष सड़क का ज्ञान होगा, विशेष सड़क का बोध होगा। या फिर जैसे हम कोटा जयपुर राजमार्ग पर चल रहे हैं, तो ये जो सड़क विशेष का नाम है ये उसे अन्य सड़कों से अलग करती है, तो यहाँ पर ये विशेष का बोध होने की वजह से व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, ठीक है। इसी तरह से आप इमारतों में भी ले सकते हैं, दुनिया में इमारतें बहुत बन गई हैं, आजकल के जो शहर हैं वो इमारतों की भीड़ है, ठीक है ना। और जब हम किसी विशेष इमारत का नाम लेते हैं, मान लो कुतुब मीनार का नाम ले रहे हैं या फिर मीनाक्षी टेम्पल का नाम ले रहे हैं, तो ये जो इमारत विशेष का नाम है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे जैसे जैसे कुतुब मीनार, कोटा शहर तो बहुत है, लेकिन कोटा एक विशेष शहर का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। इसके अलावा जैसे मीनाक्षी मंदिर आदि, तो ये जो नाम लिखे गए हैं वो विशेष हैं, और विशेष होने की वजह से ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखे जाएंगे और समझे जाएंगे। इसी तरह से आप समझ लो कि दुनिया में जो अपनी खास प्रसिद्धि के लिए प्रसिद्ध हो, खास प्रसिद्धि पा चुका हो, तो वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब जैसे जलेबी है तो वो कोई खास प्रसिद्धि वाली चीज तो नहीं है, लेकिन मिठाइयों में से वो एक अलग रूप में समझी गई है, जलेबी के रूप में, तो इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है। तो इसी तरह से हम अब जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा लिखेंगे।
तो अब आपको ज्यादा कोई चेंजेस नहीं करने हैं, आप यहाँ पर लिखें जाति वाचक संज्ञा, तो यहाँ पर आप नंबर टू कर दें, ठीक है। अब जो शब्द किसी मैं मिटा देती हूँ, और इसी से आगे हम और लिखने की कोशिश करते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, सेम वही चल रहा है, व्यक्ति वस्तु या स्थान, स्थान की संपूर्ण संपूर्ण जाति का बोध कराता है, उसे उसे जाति वाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे 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 लड़का गाय पेड़ खेत आदि, ठीक है। अब इसमें देखो, जो शब्द किसी जाति व्यक्ति वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराता है, यानी इसमें बड़े समूह में पाए जाने वाले सामान्य विशेषताओं से संबंधित ग्रुप जगह पाता है, या ग्रुप को हम शामिल करते हैं और उसमें एक सामान्य विशेषता समानता पाई जाती है और उसका हम नाम लिख देते हैं और उसी का हम नाम समझते हैं। जैसे खेत, खेत एक स्थान का नाम है, ठीक है। और हम जहाँ फसल उगती है जिसमें बाड़ बनी हुई होती है, तो और जहाँ पर सिंचाई के साधन होते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पर खेती की जाए या फसल उगाई जाए वह स्थान खेत होता है। खेत और बाग में फर्क हो सकता है, बाग में फलदार पौधे लगाए जाते हैं, तो बाग और खेत दोनों अलग हैं, क्योंकि दोनों में सामान्य लक्षण अलग अलग मिलते हैं और सामान्य लक्षणों से ही ये जाति का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे गाय है और जैसे नील गाय है, तो दोनों में ही फर्क है। नील गाय के नीचे गल कंबल नहीं होगी, लेकिन गाय में ऐसे गले में जो कंबल होती है ना, लटकने वाला हिस्सा जो होता है, वो उनकी एक अलग पहचान देता है। अगर कोई गाय को देख के कहे कि ये नील गाय है, तो ये मतलब ऐसी मानी जाएगी कि उसको उस जाति की सामान्य विशेषताओं का पता नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि एक बहुत बड़े विशाल समूह में पाए जाने वाले सामान्य लक्षणों से जाति का निर्धारण होता है और उन्हीं लक्षणों के आधार पर हम किसी का नाम रख देते हैं, तो वह जातिवाचक संज्ञा होता है। जैसे पेड़, पेड़ आपको पता है कि एक जमीन से सटा टिका हुआ एक बहुत विशाल आकार में एक वस्तु होती है, लेकिन उसकी अपनी विशेषता है, बड़ा मजबूत तना होगा, लंबी लंबी डालियां होंगी, जमीन के बहुत बड़े हिस्से को घेरा हुआ होगा, जड़ें बहुत गहराई तक गई हुई होंगी, तो उसे हम पेड़ कहेंगे। इसके अलावा पौधों में हम फर्क कर सकते हैं, तो ये सामान्य विशेषताएं होती है जिनसे जाति का निर्धारण होता है। इसी प्रकार से आगे हम भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, भाववाचक संज्ञा में भी यही होगा कि जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान की के गुण दोष, उसकी अवस्था, उसकी स्थिति आदि के आदि से संबंधित नामों का बोध कराता है, तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अब इसमें है ना, किसी की स्थिति आ जाएगी, किसी की अवस्था आ जाएगी। जैसे आप बच्चे हैं,
तो बच्चे होने का जो भाव है उसे आप कहेंगे बचपन। तो ये जो बचपन है यह भाववाचक संज्ञा में है और ये आपकी अवस्था क्या, आप जीवन जी रहे हैं और जीवन के आप किस अवस्था में हैं, बच्चे की अवस्था में हैं, तो उसे हम भाव रूप में बचपन कहेंगे। ठीक है, तो हम इसे लिखने की कोशिश करते हैं। यहां से आप इसे भाव वाचक संज्ञा लिख दो। तो जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की के, ठीक है, स्थान के गुण दोष, गुण दोष, स्थिति, स्थिति या अवस्था के नाम का बोध कराता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अब इसमें गुण दोष से मतलब है कि उसमें क्या गुण है, क्या उसमें बुराइयां हैं, क्या उसकी दशा है, क्या उसकी अवस्था है, इनसे संबंधित जो भी नाम होंगे वो भाववाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे आम में मिठास है, आम मीठा है, ये उसका गुण है, तो हमने इसे मीठा होने का गुण मिठास बोल दिया। ठीक है, इसी तरह से करेला कड़वा है, तो कड़वा होने का भाव कड़वाहट। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना है। या स्थिति में देखो कि सड़क बहुत गंदी है, तो हमने उसे देखकर कहा अरे हमें लगा कि ये गंदा होने का भाव गंदगी है, तो हम कहेंगे सड़क पर बहुत गंदगी है। तो इस तरह से आप भाववाचक संज्ञा को समझ सकते हैं। भाववाचक संज्ञा में जो है वो महसूस किए जाने वाले शब्द आएंगे, मतलब भाववाचक संज्ञा को देखा नहीं जा सकता, उन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, ना उन्हें गिना जा सकता है, ना उन्हें मापा जा सकता है, इनका कोई आकार प्रकार नहीं होता। ठीक है, ये केवल महसूस किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये अवस्था के नामों को हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे, जैसे मिठास। ठीक है, आम मीठा है तो उसमें मिठास है। इसी तरह से आपकी लिखने का जो भाव है वह लिखावट कहलाता है। अच्छा, यहाँ पर बेटा मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर दूं कि जो भाववाचक संज्ञाएं हैं वह अलग अलग शब्दों से बनाई जा सकती हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखावट शब्द लिखा है, वो लिखना यानी क्रिया से बनाया है, लिखने का भाव लिखावट। इसी तरह से ये गुण से बनाया है, गुण यानी ये विशेषण से बनाया है, मीठा विशेषण है और मीठा होने का भाव मिठास। इसी तरह से अवस्था में आपको कह दिया कि बूढ़ा होने का भाव बुढ़ापा। तो आगे की कक्षाओं में जैसे जैसे ये शब्द आएंगे आप समझते चले जाएंगे। इसी प्रकार से जो जातिवाचक संज्ञाएं हैं, जातिवाचक संज्ञाओं से भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे लड़का, तो लड़का होने का भाव लड़कपन, लड़कपन। तो इस तरह से हम भाववाचक संज्ञा को समझते हैं, यानी ये किसी के गुण दोष स्थिति या अवस्था के नाम का बोध कराती है। तो यह है भाववाचक संज्ञा। अगला हम लेते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, वैसे तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा भाव
जातिवाचक संज्ञा का ही एक प्रकार माना जाता है, लेकिन आजकल हम इसे अलग प्रकार के रूप में पढ़ाने लगे हैं। तो मुझे थोड़ा सा मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने भाववाचक संज्ञा को समझ लिया होगा। ठीक है, तो हम अब आगे हम द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा लिखते हैं। तो देखो, द्रव्यवाचक संज्ञा, यहाँ पर भी वैसे ही परिभाषा चलेगी। जो शब्द किसी पदार्थ यानी द्रव्य या धातु के नाम का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अब इसमें यहां पर आपको समझना है कि पदार्थ या फिर धातु ऐसी चीजें जिनसे कोई अन्य चीज बने और जो हमारे उपभोग में आए, हमारे प्रयोग में आए, तो उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा में समझते हैं। जैसे लकड़ी से बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है और हम अपने सुविधा के लिए उनका उपयोग भी करते हैं। तो जो लकड़ी है या जो सोना है या चांदी है, इसी प्रकार से सूत कपड़ा जिससे बनता है, धागा जिससे बनता है, तो वो सूत, ये सारी चीजें द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगी। द्रव्यवाचक संज्ञा से यानी ऐसी वस्तुओं को हम द्रव्यवाचक संज्ञा में समझ सकते हैं जिनसे अन्य चीजें बनेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे सोना, दूध, आटा, लोहा, लकड़ी आदि। ठीक है, आदि लिख देते हैं, इसका मतलब उदाहरण थोड़े ही लिखे हैं, अनंत उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण है। केवल आपको ये समझना है, जैसे सोना हमें मिल जाए तो हम उसको तरह तरह से प्रयोग कर सकते हैं। दूध का क्या प्रयोग होता है ये आपको पता है। दूध से अन्य क्या चीजें बन सकती है, दही बन सकता है, छाछ बन सकती है, मक्खन निकाला जा सकता है, घी बनता है। तो ये और जो पदार्थ बनाए जा सकते हैं वो हमारे उपभोग में आते हैं, हम उनका उपयोग करते हैं, तो इसलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा में समझा जाता है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो केवल इस परिभाषा से ही आपको ये चीज, इस शब्द से ही ये परिभाषा आप बना सकते हैं। केवल ये आपका एक जानकारी होगी कि द्रव्य में वे पदार्थ और वे धातुएं प्रयोग की जाएंगी जो हमारे उपभोग में आती है और जिनका हम अन्य चीजें बनाने में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अगला करते हैं, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो यहां पर भी जो शब्द किसी समूह, झुंड या समुदाय के नाम का बोध कराता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते।
और जिन शब्दों के रूप में ये लिखे जाते हैं तो वो अपने आप में एक झुंड होता है, एक समूह होता है। ठीक है, तो समूहवाचक संज्ञा से आपने समझा कि जो शब्द किसी समूह, झुंड या समुदाय के नाम का बोध कराता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे मेला, मेला होगा तो यानी लोगों की बहुत बड़ा झुंड वहां दिखाई देगा, भीड़ दिखाई देगी। एक व्यक्ति खड़ा है तो हम ये नहीं कहेंगे कि मेला मेला लग रहा है। बहुत ज्यादा संख्या में लोग होंगे तो हम कहेंगे मेला। कई बार हम इसे व्यंग्यात्मक रूप में भी कह देते हैं, बहुत भीड़ लगी हुई है तब हम कह देते हैं अरे यहाँ क्यों मेला लगा रखा है। तो ये इसका मतलब है कि वहां पर हमें समूह दिखाई दे रहा है, झुंड दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से रैली, रैली चुनाव हो रहे हैं, नेताओं की रैलियां लगती हैं तो बड़ी संख्या में विशाल जनसमूह इकट्ठा होता है जिसे हम रैली कह सकते हैं। इसी तरह से मंडली, तुमने देखा होगा कि कहीं भजन संध्या हो रही है, लोग कहते हैं अरे हमने तो मंडली को बुलाया है। यानी गायकों का जो झुंड है, गाने गाने वाले जो व्यक्ति हैं उनके झुंड को हम मंडली कहते हैं। इसी प्रकार से जैसे कर्मचारियों का संघ या नौकरों का संघ, तो ये संघ आदि भी समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। और जैसे कक्षा, जैसे सेना, तो ये सब समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीजें मैंने समझा दी हैं और उसी समझ के आधार पर आपको ये परिभाषाएं लिखनी है। मुख्य जो शब्द हैं वो मुख्य भूमिका में रहते हैं, इसके अलावा उनके बारे में जो समझ है वो आपकी इन परिभाषाओं का निर्माण कराती है या आपको सिखाती है कि किस प्रकार से परिभाषाएं हम बना सकते हैं। ठीक है, तो समझ जरूरी है, किसी भी भेद के नाम से संबंधित समझ जरूरी है और वही समझ आपको अपने परिभाषा को लिखने में मदद करती है। तो इस तरह से आपने काफी कुछ समझ लिया है। अब यहाँ पर कुछ मैं प्रश्न आपको दे रही हूँ और उन प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। पहला प्रश्न है संज्ञा के भेदों की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, पहला प्रश्न ये है। और प्रश्न दो है, निम्न शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। ये आप अभ्यास करेंगे तो आपको आ जाएगा, क्योंकि ये शब्द आपने अपने दैनिक जीवन की जो भाषा है उसमें सुन रखे होते हैं, तो आप थोड़ा सा अगर प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अच्छा, अच्छा होने का भाव अच्छाई। ठीक है, अच्छा होने का भाव अच्छाई। दूसरा है पढ़ने का भाव पढ़ना, पढ़ने का भाव पढ़ाई पढ़ाई। नंबर थ्री है सभी दे देती हूँ, जैसे जैसे शत्रु होने का भाव शत्रुता। ठीक है, नंबर फोर पढ़ना आ गया, अच्छा आ गया, अब विशेषण आ गया, क्रिया आ गया, जातिवाचक संज्ञा आ गया। अब मैं सर्वनाम से दे देती हूँ, जैसे अपना, तो अपनापन। ठीक है, अपनापन ये एक भाववाचक संज्ञा शब्द है, यानी हम विभिन्न प्रकार के शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा शब्द बना सकते हैं।
तो आपका ये दूसरा प्रश्न ये रहेगा। और संज्ञा के भेदों की परिभाषा अगर आप उदाहरण सहित लिखेंगे तो अगर आपको संज्ञा को छांट कर उसके भेद लिखने के लिए दिया जाए तब भी आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो समय हो चला है, आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।